को प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये अडाप्टर्स का प्लगइन करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो चेक कर रहे हैं ये चार्जिंग की लाइट जो है ना इसकी ऑन हुई है, ये टर्निंग ऑन करते हैं इसको, ये पावर बटन से ये इसको टर्निंग ऑन की है, बैटरी की लाइट ऑन है, उधर से पावर बटन की लाइट ऑन है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर इसका डिस्प्ले शो नहीं हो रहा। ठीक है, यही प्रॉब्लम आ रही है, ये दोनों लाइट्स स्टिल इसकी ऑन रहती हैं लेकिन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले इसका जो है ना वो शो नहीं होता। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, अल्लाह के फ़ज़ल और उसके करम से आज फिर एक नए इन्फो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये डेल का लैपटॉप है, लैटीट्यूड सीरीज़ है, डेल लैटीट्यूड E6420 मॉडल नंबर है इसका। ठीक है, इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये अडाप्टर्स का प्लग इन करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो चेक कर रहे हैं ये चार्जिंग की लाइट जो है ना इसकी ऑन हुई है, ये टर्निंग ऑन करते हैं इसको, ये पावर बटन से ये इसको टर्निंग ऑन की है, बैटरी की लाइट ऑन है, उधर से पावर बटन की लाइट ऑन है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर इसका डिस्प्ले शो नहीं हो रहा। ठीक है, यही प्रॉब्लम आ रही है, ये दोनों लाइट्स स्टिल इसकी ऑन रहती हैं लेकिन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले इसका जो है ना वो शो नहीं होता। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है, तो उसके लिए इसको ओपन करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह। नीचे बैटरी इसकी उतार ली हमने, नीचे इसका डी कवर ओपन कर लिए, तो ये बोर्ड हमारे सामने आ गया, पहले भी तकरीबन चेक हुआ हुआ है। सबसे पहले हमने इसकी जो है ना वो रैम चेंज करके चेक कर लेनी है, ये रैम की स्लॉट को जो है ना कार्बन आया हुआ है अंदर। ठीक है, तो ये रैम हम पहले चेंज करके इसकी चेक कर लेंगे वेरिफिकेशन के लिए। तो बिस्मिल्लाह, ये रैम इसकी जो है ना ली है, वेरीफाई रैम है ये इसको रैम को लगाया है, इसका अडाप्टर प्लग इन करते हैं। बिस्मिल्लाह। टर्निंग ऑन हुआ है, अभी फ़िलहाल सेम कंडीशन है इसकी, क्योंकि हमने सीमोस का जैक भी उतारा हुआ है, चेक कर रहे हैं ये सीमोस का जैक उतरा हुआ है, तो इसको ऑन ऑफ होना चाहिए, प्रोसेसर वैसे गर्म हो रहा है इसका, ऑन ऑफ होना चाहिए लेकिन स्टिल वही प्रॉब्लम है। तो इसको अब चेक करते हैं, ज़रा प्रोसेसर गर्म हो रहा है इसका, हीट सिंक इसका ओपन कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि इसका जो ग्राफिक कार्ड है इसको किसी ने कोई हीट वगैरह तो नहीं लगाई हुई है, या कुछ इस तरह का कोई मामला तो नहीं है। इसमें ले लीजिए, इसका ग्राफिक कार्ड है एनवीडिया का, तो हीट अप हो रहा है, ये प्रोसेसर भी इसका हीट अप हो रहा है, इसको ओपन कर लेंगे बोर्ड को, बोर्ड इसका बाहर निकाल लेंगे पहले, ताकि ज़रा इसको तसल्ली से चेक किया जाए। ये डीवीडी निकल गई है इसकी बाहर, उसको कंप्लीट ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह ने जी, सी पैनल इसका ओपन हो गया, ये बोर्ड आ गया हमारे सामने। तो ये कार्बन आया हुआ है बोर्ड के ऊपर,
और भी चीज़ चेक कर लेंगे इसको। बिस्मिल्लाह लें जी, ये कार्बन साफ कर लेंगे इसका ज़रा अच्छी तरह। बिस्मिल्लाह लें जी, ये इसका जो है ना कार्बन लगाया था उसके ये पिक पी एफ और एक रेजिस्टेंस जो है ना वो टूट गई है, तो उसको हम दूसरे बोर्ड के ऊपर से उतार के तो ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर जो है ना इधर लगाएंगे पी एफ वगैरह, फिर इंशाल्लाह इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह लें जी, ये रेजिस्टेंस और इसका पी एफ जो है ना वो लगाया अब, तो इसको चेक करते हैं सफाई करके। बिस्मिल्लाह लें जी, ये इसको अभी टर्निंग ऑन करते हैं, तो ये चीज़ चेक करें स्कोप के ऊपर, स्टील जो है ना इसके सिग्नल इसके स्टील हैं, ठीक है। ये इसको ऑफ किया, ठीक है, अभी इसको ऑन करते हैं। इसको ऑन किया, देख चेक किया, सिग्नल चल रही है इसके, लेकिन डिस्प्ले इसका नहीं है। इसकी रैम वगैरह हमने फाइनल कर ली है, दूसरी लगा ली है, अब इसकी रह गई है ग्राफिक चिप, क्योंकि इधर से बायस के सिग्नल्स बन रहे हैं, तो ये रह गई है अभी इसकी ग्राफिक चिप का मामला, तो वो अब चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये इसकी ग्राफिक चिप है, एनवीडिया की लगी हुई है, ठीक है, तो इसको अब थोड़ी सी रिबालिंग कर लेंगे, पेस्ट कर लगा के इसको थोड़ी सी हीट वगैरह लगा लेंगे, क्योंकि इधर ही आके अब जो है ना वो मामला खड़ा हुआ है। चले इसको थोड़ी सीट लगा लेते हैं। ये लगा लेंगे इसको ज़रा। बिस्मिल्लाह, इसकी ग्राफिक चिप का प्रॉब्लम आ गया होगा, ठीक है, एनवीडिया का, तो इसको हीट वगैरह भी लगा ली है हमने, इसको दोबारा से रिपाल ही करना पड़ेगा, तो फिलहाल यही चिप का प्रॉब्लम है, और मेन जो है ना वो सिग्नल वगैरह बन गए हैं इसके, तो ये फ़िलहाल लैपटॉप नहीं होगा, क्योंकि ये चिप इसकी जो है ना चेंज करनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।